आप देख रहे हैं अमेज नाउ। पूरा पूर्वांचल इन दिनों डेंगू की जद में है, जिसमें गोरखपुर में सर्वाधिक मरीज पाए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कोई सा भी घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई सदस्य पीड़ित न हो। जिला अस्पताल का डेंगू वार्ड किसी भी दिन खाली नहीं रहता, जो इस बात का प्रमाण है कि डेंगू अपने चरम पर है। मौजूदा महापौर के पड़ोसी और मेयर पद के प्रत्याशी रहे व्यापारी नेता नवल किशोर नथानी भी इस समय डेंगू की जद में हैं। हमारे मोहल्ले में घटना घटी थी, हमारे व्यापार संघ के एक अध्यक्ष की पत्नी डेंगू से उनकी मौत हुई है, और ये घटना मुझे लगता है 1 महीने के अंतराल की घटना है। और हम लोग उस समय बहुत ही चिंतित भी थे कि हमारे व्यापार मंडल के एक प्रतिष्ठित अध्यक्ष जो हैं उनकी पत्नी का देहांत हुआ है, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने उस समय सचेत भी लिया था कि सरकार गंभीर हो और इसके इलाज के लिए, इसके रोकथाम के लिए जो भी उपचार हो सरकार अपने तरीके से करे। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार कहीं न कहीं लापरवाही बरत रही है। अब चाहे वो चिकित्सा के माध्यम से हो, चाहे उसके रोकथाम के माध्यम से हो, आज उसी का अंजाम आपके सामने मैं हूँ। प्रिंट मीडिया से जुड़े एक शख्स ने अपने परिवार को बचाने में तकरीबन 2 लाख रुपए खर्च कर दिया और स्वास्थ्य महकमे को ही लापरवाह मानते हैं। कार्ड है आप लोगों को तो मिला होगा, प्राप्त पत्रकारों को मिला, मगर कोई फायदा नहीं है आयुष्मान कार्ड से और पत्रकारों को फायदा नहीं है। ये बिल्कुल सिर्फ हवा हवाई है आयुष्मान कार्ड। तो क्या हुआ? हाँ, ये नहीं है, सर्जरी में होता है और ये हम लोगों के यहाँ नहीं चलता है। एक कर्जा हम लेके कराया, हमारी वाइफ आईसीयू में 10,000 प्लेटलेट हो गई थी उसकी, और फिर बेटा उसको प्लेटलेट गिरी, फिर जॉन्डिस हुई, कल डिस्चार्ज हुए हैं वो। टू लैक्स मतलब 2 लाख रुपए। हाँ, 2 लाख टोटल। तो एनएस और डीएनएस चाहा बेटी को, तो दिया, कर्जा लिया है हमने। शहर में तो डेंगू पूरा तौर से फैला हुआ है और ना कोई छिड़काव है, सिर्फ हवा हवाई है। और ये कहते हैं कि डेंगू यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, पूरे पश्चिमांचल में ये ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र और शहर विधानसभा क्षेत्र में फैला हुआ है। सरकार उनकी हेल्प करे और क्या है। किस तरह से हेल्प करें जब आप जैसे लोगों का हेल्प नहीं हो पा रहा है? भाई, हमारे जैसे हम तो समाज में थे और समाज में जिससे कहा उन्होंने दे दिया। ये जानते हैं कि ये पत्रकार है और ये कहीं जाएंगे नहीं, पैसा वापस हो जाएगा। अब ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है कि सरकार इसके प्रति जागरूक नहीं है, और सरकार को चाहिए कि सरकार नहीं बल्कि सरकार तो ठीक है मगर अधिकारीगण ये जागरूक नहीं है। और मुख्यमंत्री नहीं साफ करेगा शहर को, मुख्यमंत्री वो नहीं करेगा, मगर ये सब ये अधिकारियों की कमी के वजह से ये सारी गंदगी और सारे उसका न छिड़काव है न कोई वो है, इसलिए ये डेंगू फैल रहा है। सीएमओ आशुतोष दुबे जनता को नसीहत दे रहे हैं लेकिन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि डेंगू का कहर चल रहा है। देखिए, बारिश खत्म हो गई है, मौसम बदलना शुरू हो गया है, तापमान 20 से 25 डिग्री के तापमान के बीच में आ गया है। डेंगू का लार्वा अब उसकी ग्रोथ खत्म हो गई है, मच्छर का घनत्व भी कम होना शुरू हो गया है, डेंगू प्रायः समाप्ति पर है। हमारे यहाँ कार्ड टेस्ट डेंगू में अब पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, एलाइजा पॉजिटिव अभी आ रहे हैं क्योंकि जिन लोगों को पहले 14 दिन पहले तक संक्रमण हुआ है अभी वो केसेस निकल रहे हैं। अगर हम वर्तमान समय केसेस की बात करते हैं तो गोरखपुर जनपद में कुल 217 केसेज निकले हैं। आज हमारे यहाँ जिला अस्पताल में प्रातः मेरे राउंड के समय कुल 14 मरीज, 3 मरीजों का आज नया एडमिशन हुआ है, 7 मरीज जो हैं सभी पुराने मरीज हैं जो नंदा नगर अस्पताल में हैं। लेकिन
अभी भी मच्छर हैं, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि पूरी बांह का कपड़ा पहने, सुबह शाम अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें, बच्चों के जो शरीर के खुले भाग हैं उन पर मच्छर रोधी क्रीम लगावें, अगर घर में दिन में अंधेरा है तो वहाँ पर भी प्रकाश की व्यवस्था रखें, कहीं पर भी स्वच्छ जल एकत्रित ना होने दें, अगर कहीं पर है तो उसकी साफ सफाई करें, पानी एकत्र ना हो खास करके छतों पर, और जो पानी की टंकियाँ अगर उनके ढक्कन खुले हैं तो उसको ढक्कन लगा दें। सर, डस्टिंग और फॉगिंग का क्या रोल है? देखिए, डस्टिंग और फॉगिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। नगर निगम जो है शहरी क्षेत्र में करता है और ग्राम विकास विभाग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में करता है। प्रातः समय जो है लार्वी साइडल छिड़के जाते हैं, सायंकाल जो है फॉगिंग की जाती है। फॉगिंग की जहाँ तक बात है, हम लोग कई शहर के कई इलाकों में गए तो उनका ये कहना कि सड़क पर तो फॉगिंग हो रही है लेकिन गलियों में जो सकरी गलियाँ हैं वहाँ ना तो गंदगी हट पा रही है और इसकी वजह और ना ये दूसरे विभाग का मामला है, इस पर बहुत कमेंट करने का नहीं हूँ। लेकिन जिन घरों की सूचना, जिन घरों में डेंगू के केसेस निकलते हैं उसकी सूचना हम ग्राम विकास और नगर निगम को देता हूँ, वहाँ पर फॉगिंग निश्चित की जाती है, उसकी वीडियोग्राफ्स हमारे पास है। ऐसा क्या हो गया है कि इस बार जो है डेंगू के केस गोरखपुर सिटी में सर्वाधिक पाए गए? जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती है, जैसे जैसे शहरीकरण होता है और लोगों की समृद्धता बढ़ती है, वैसे वैसे ये सब बीमारियों का प्रकोप होता है। उसका प्रमुख कारण होता है लोगों के घरों में कूलर, जिसमें पानी एकत्र ज़्यादा होता है, पानी रखा रहता है, साफ सफाई नहीं, लार्वा बनते हैं। घरों में प्लांट लगाए जाते हैं, उसमें पानी इकट्ठा रहता है। रेफ्रिजरेटर सब घरों में होता है, उनमें पीछे ट्रे होती है, उसमें पानी आ जाता है। सुबह के लिए मनी प्लांट और चाइनीज बांस लगाते हैं, उसमें पानी रहता है। और अपने घर के सारे कूड़ा कबाड़, घर छोटे हैं तो छतों पर रख देते हैं, छतों पर जो बर्तन होते हैं वो कृत्रिम जलाशय का काम करते हैं। और इसके अलावा जो पानी के ढक्कन होते हैं वो ढक्कन खुले रहते हैं, वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होता, नालियों की साफ सफाई लोग स्वयं नहीं करते हैं, घरों के चारों तरफ पानी रहता है। ये सब इसी शहरीकरण का परिणाम है। शहरी क्षेत्र में नगर निगम के प्रयास जारी हैं लेकिन नाकाफी है, ऐसा नगरवासियों का कहना है। मेयर प्रत्याशी रहे बसपा नेता नवल किशोर नथानी ने सरकार को इस बात के लिए सुझाव दिया है कि जिस कदर यह बीमारी फैली हुई है, जिला अस्पताल से सचल दस्ता चिकित्सकों के साथ मोहल्ले में जाकर जांच करे, दवाइयां वितरित करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्या सरकार के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है इलाज करने के लिए? क्या सरकार इस तरह की बीमारियों में जो अभी इस समय घर घर में व्याप्त हो चुकी है, क्या सरकार की वैन ऐसी नहीं होनी चाहिए डॉक्टरों से, डॉक्टर इंक्लूडिंग डॉक्टर ऐसी कोई वैन दवाई सहित नहीं होनी चाहिए जो शहर में गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम करके जाँच करे और दवाइयाँ वितरित करे, जिससे जनता परेशान ना हो। आज मेरा शरीर टूटा हुआ है, मैं कैसे जिला अस्पताल जाऊंगा, क्यों लंबी कैसे लंबी कतार में खड़ा हो जाऊंगा? क्या मेरी चिकित्सा सरकार के माध्यम से मेरे घरों तक नहीं होनी चाहिए? ये नगर निगम फॉगिंग के बहाने अपने आप को बचाता है, एक साइकिल पर एक जनरेटर बांध दिया, सुनो इस मोहल्ले में जा कर के फोटो खींच लेना और ज़रा धुआँ छिड़काव कर देना। मतलब एक कहते हैं ना हम लोग, एक कहावत है लग्गी से घास टालना, मतलब किसी काम को नहीं करना हो तो उसे लग्गी से कर दो। तो सरकार इस समय जो काम कर रही है, हम पीड़ित हैं, अंदर से दुखित हैं, उसका जो उपचार मुझे चाहिए वो मिल नहीं रहा है और केवल दिखावा कर रहे हैं। तो उससे आज हकीकत आपके सामने बयान करना पड़ रहा है। सरकार से निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बारंबार हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस महामारी में आप नगर निगम, जिला चिकित्सालय, एम्स के जो भी अच्छे डॉक्टरों की टीम के साथ, एक नहीं कम से कम 80 वार्डों में, आप 80 नहीं तो कम से कम 10
10 वैन स्वचालित जैसे एटीएम मशीनें इस समय काम कर रही हैं, वैसे 10 एम्बुलेंस के साथ में, डॉक्टरों के साथ में, सचल दस्ते के साथ में, आप घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में अपने डॉक्टरों के साथ, दवाइयों के साथ, जांच एजेंसियों के साथ, जो पैथोलॉजियों के साथ युक्त हों, ऐसे लोगों के साथ आप भेजिए, ताकि देश की ये गोरखपुर की जनता इस महामारी से निकल सके, घर घर में डेंगू से जो लोग पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, उनका उपचार हो सके। बहुत दुख के साथ ये आपके चैनल के माध्यम से अंदरूनी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि आम जनता जो इस समय जो मिडिल क्लास की जनता है, आम जनता है, और घर घर में इस बीमारी कह लीजिए, इस प्रभाव से, प्रकोप में आ चुकी है, ऐसे में बिना सरकार के सहयोग के कुछ भी नहीं होने वाला है। तमाम मौतें हो रही हैं, इसको डिनाय नहीं किया जा सकता है, लापरवाही बहुत हो रही है, सरकार कहीं जागरूक नहीं है। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।